बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुबई के विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। कुछ खबर भी है, वो भी आपको बतानी है। मुतहदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये करार दिया गया है कि वो वीज़े के साथ साथ, अगर उनके पास वीज़ा है, ठीक वीज़ा है, तो उसके साथ 5,000 दिरहम होना उनके लिए ज़रूरी है। जो लोग भी दुबई का विज़िट करने जा रहे हैं, उनके पास वापसी का टिकट और साथ में 5,000 दिरहम होना वो ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तफसीलात जो हमें मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक मुतहदा अरब अमारात से 80 पाकिस्तानियों को डमी रिटर्न टिकट्स और दीगर वजूहात की बिना पर डिपोर्ट किए जाने के बाद दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट ने इस्लामाबाद को मतला किया है कि दुबई जाने वाले पाकिस्तानियों के पास दुरुस्त वीज़ा, 5,000 दिरहम और वापसी का टिकट होना लाजमी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को लिखे गए ख़त में कौंसल खाने ने बताया कि इन मुसाफरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बेदखल किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया कि वो मुतहदा अरब अमारात में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी मुसाफरों को मुनासिब वर्क वीज़ा हासिल करने को तरजीह दें। ख़त में कहा गया है कि मुसाफरों को मुतहदा अरब अमारात का सफ़र करते वक्त वीज़े के साथ वापसी के दुरुस्त टिकट और 5,000 दिरहम अपने साथ रखना लाजमी है। दुबई एयरपोर्ट पर एक मुसाफर की जानब से इस्तफसार के बाद कौंसलेट के अमले ने एयरपोर्ट का दौरा किया, जिससे मालूम हुआ कि मुतहदा अरब अमारात के इमिग्रेशन हकाम ने मुतहद्दद वजूहात की बिना पर तकरीबन 80 पाकिस्तानियों का दाखिला रोक दिया है। मुल्क बदर किए गए शहरियों में से 40 मुसाफरों को उसी प्रवास से पाकिस्तान वापस भेज दिया गया जिससे वो दुबई गए थे, जबकि बाकी मुसाफर मुख्तलिफ प्रवाज़ों से पाकिस्तान वापस आए। मुतहदा अरब अमारात में इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों को वर्क वीज़े की बजाय विज़िट वीज़े, जाली वापसी टिकट और मुतहदा अरब अमारात में रहने के लिए नाकाफ़ी अमाराती नकदी की वजह से मुल्क बदर किया गया। डिपोर्ट किए जाने वाले बेशतर अफराद ने मुबैना तौर पर मुतहदा अरब अमारात के इमिग्रेशन हुकाम को बताया कि वो विज़िट वीज़े पर मुलाजमत के लिए अमारात आए थे। पाकिस्तानी मिशन ने मुतहदा अरब अमारात के इमिग्रेशन हुकाम से दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को मुतहदा अरब अमारात में दाखिले की इजाज़त दें जिनके पास दुरुस्त वीज़ा है, लेकिन बताया गया कि मजकूरा वजूहात की बिना पर इन मुसाफरों को दाखिले से इनकार कर दिया गया। मुतहदा अरब अमारात के हुकाम ने कहा है कि इन सब के पास दुरुस्त टिकट के साथ कम अज़ कम 5,000 दिरहम नकद रकम होना लाजमी है। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग विज़िट वीज़े पे जाते हैं और वहाँ पर काम शुरू करते हैं, काम ढूंढते हैं और फिर वापस आकर सही वीज़ा लेके वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये किया गया है कि 5,000 दिरहम उनके पास होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ वापसी का टिकट होना भी ज़रूरी है। तो ये थी अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।